खबरों की परतों को खंगालने के बाद कई ऐसे तथ्य सामने आते हैं जिनके एनालिसिस से जो सच हम समझते हैं वो भी अलग दिखाई देता है। इसलिए आपकर लेकर आते हैं हम मिस्टर एनालाइजर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव के इस आखिरी चरण की, जहां पर मतदान थम चुका है। मतदान थमने के साथ ही अब एक तरह से शांति भी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस थकान को मिटाने के लिए ध्यान और आध्यात्म के रास्ते पर हैं। 1 जून तक वो भारत के दक्षिणी कोने कन्याकुमारी में रहेंगे। 48 घंटे तक ध्यान और साधना करेंगे। चुनाव का अभियान खत्म हो चुका, शोर शराबा खत्म हो चुका, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नए सिरे से अपनी ऊर्जा को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये प्रधानमंत्री ने पहली बार किया है? इसके पहले जब किया तो उसका क्या मतलब है, और इसके साथ साथ इसे किस तरीके से उनके आध्यात्म की पूरी यात्रा के साथ जोड़कर देखा जा सकता है, इस पर करेंगे चर्चा। और फिर बात करेंगे एक और मुद्दे की। आज हम सिर्फ 2 बड़ी रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि 76 दिनों तक चुना है चुनाव प्रचार, और इस 76 दिनों में 7 चरण में मतदान के जो मुद्दे सामने निकल कर आए हैं, क्या वो हमेशा शाश्वत एक जैसे रहे हैं, या दरअसल हर चरण में एक नया मुद्दा सामने आया, नए मुद्दे पर चर्चा हुई, नई ऊर्जा सामने निकल कर आई, नई बातचीत निकल कर आई। हम इसके बारे में तफसील से आपको बताएंगे, लेकिन हां यह जरूर कहूंगा मैं आपसे कि अभी तक जितने चुनाव भारत में हुए हैं उन सभी चुनाव से 2024 बिल्कुल अलहदा है। क्यों अलहदा है? कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर देश में पहले चर्चा होनी चाहिए थी लेकिन हुई 2024 में? इसलिए इस बार जरूर बुलेटिन को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री की आध्यात्म की यात्रा से। 16 मार्च, ये वो तारीख है जब 18वें लोकसभा के चुनाव की घोषणा हुई। 76 दिनों का चुनाव प्रचार चला, और इस भयानक भीषण गर्मी में भी चुनाव का तापमान किसी भी तरीके से कम होता हुआ नहीं दिखाई दिया। दिसंबर के महीने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक बात स्पष्ट थी कि वो एक मैन ऑन मिशन है। उनके लिए 2024 के चुनाव को अपनी पार्टी के लिए, देश के लिए जिताना सबसे महत्वपूर्ण है, और जब अपने इस महत्वपूर्ण काम को वो अंजाम देते हैं तो वो क्या करते हैं? वो अमेरिका, यूरोप या कहीं पर छुट्टी मनाने नहीं जाते। चुनाव प्रचार खत्म होते ही वो आध्यात्म और ध्यान लगाने के लिए कन्याकुमारी पहुंच जाते हैं। कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर उन्होंने आज अपनी साधना शुरू कर दी है। कन्याकुमारी के स्थित जिस रॉक पर, जहां पर कभी स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाकर हिंदुत्व के गूढ़ तत्व को सामने रखा था, आज उसी चट्टान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तपस्या में लीन हुए। प्रधानमंत्री के एकांतवास को लेकर वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था काफी कड़ी की गई है। जो पूरे कन्याकुमारी के पास विवेकानंद का मेमोरियल है वो पहली बार इस तरीके से नहीं, बल्कि पहले भी सुरक्षित रहा है, लेकिन इस बार 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी वहां तैनात किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी आज पहुंचने के बाद पूजा भी की है, जिसकी तस्वीरें अभी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवती अमन मंदिर में उन्होंने दर्शन किया, पूजा किया, और उसके बाद आज दोपहर वो अपने मेडिटेशन करने के लिए विवेकानंद रॉक पर पहुंच गए हैं। 1 जून तक इसी रॉक पर वो रहेंगे, इसी जगह पर वो दर्शन करेंगे। उनकी आध्यात्म की यात्रा जिस तरीके से शुरू हुई है, इसे लेकर भी विपक्ष के पेट में जबरदस्त मड़ोड़ आ रहा है। विपक्ष के नेता सवाल उठाने शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में निर्वाचन आयोग से मुलाकात कर कहा है कि साइलेंट पीरियड, यानी कि 48 घंटे जबकि चुनाव के शोर को खत्म कर दिया जाता है और मतदान 48 घंटे बाद होता है, इस समय किसी तरह का प्रचार इसकी अनुमति नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एकांतवास और उनके मौन को किसी भी तरीके से टीवी पर नहीं दिखाया जाना चाहिए, इसके कोई तस्वीर सामने नहीं आनी चाहिए, और वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस मानती है कि इससे आचार संहिता का उल्लंघन होता है। अब जरा आप ये बताइए कि आखिरकार ये किस आधार पर कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी विपक्ष को शिकायत है, यहां तक कि ममता बनर्जी को शिकायत। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान अगर टीवी पर दिखाया गया या कहीं भी दिखाया गया तो वो शिकायत दर्ज करेंगे, जो वो सही समझे उनके हिसाब से करना चाहिए। जो वामपंथी दल है CPM, उन्होंने तमिलनाडु के सचिव को चिट्ठी लिखी है कि इसका कोई भी प्रसारण नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी आप लगातार ये तस्वीरें भारत 24 पर ही नहीं बल्कि देश के तमाम TV चैनल्स पर देख रहे हैं।
सवाल यह उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ आउट ऑफ द लीग काम किया है? बिल्कुल नहीं साहब। 2014 में जब लोकसभा के चुनाव का प्रचार थमा था और उसके बाद जो अंतिम दौर का मतदान हुआ था उसके बीच में जो 48 घंटे का वक्त था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवाजी के प्रतापगढ़ पर पहुंचे थे और वहां उन्होंने ध्यान लगाया, लेकिन उस वक्त ये सुर्खियां नहीं बना था। सुर्खियां कब बना? 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में केदारनाथ गुफा में ध्यान लगाया और 18 मई को केदारनाथ मंदिर में दर्शन किया और 19 मई को बद्रीनाथ के मंदिर में दर्शन किया। यानी कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक स्टाइल है, एक शैली है। सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं 2019 की, ताकि आपकी यादें ताजा हो जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर बाबा भोलेनाथ के द्वार में पहुंचे थे और उन्होंने 18 मई को केदारनाथ में दर्शन के साथ ही वहां पर मौजूद कई तरह की गुफाएं हैं जिसमें रहने का, ध्यान लगाने का पूरा इंतजाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी रात यहां गुजारी थी और ध्यान लगाया था। यह पहला मौका था बड़े पैमाने पर जब देश की मीडिया ने इसे पूरा कवर किया, देखा और देश और दुनिया को इस बात की सनद हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को जब रिलैक्स करना चाहते हैं तो वो ध्यान लगाते हैं। उसके बाद अगले दिन यानी कि 19 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ के मंदिर पहुंचे थे, वहां उन्होंने पूजा की। 2019 में ऐसा माना गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर थी, उनके चेहरे पर ही चुनाव जीत लिया गया था। लेकिन साहब ये 2014 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उनकी ये तस्वीर हम आपको अभी दिखा रहे हैं, 2014 की तस्वीर अभी आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपने ये तस्वीर नहीं देखी होगी, ये मैं कह सकता हूँ। महाराष्ट्र के प्रतापगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्रपति शिवाजी को श्रद्धांजलि अर्पित कर वहां पर ध्यान लगाने के लिए पहुंचे थे। ये तमाम लोग उस दिन वहां पर मौजूद थे। ये तस्वीरें 2014 की हैं जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। विपक्ष ने उस समय कोई आवाज नहीं उठाई थी, यानी कि ये उनकी एक परिपाटी है। अब आइए बात करते हैं कि विवेकानंद रॉक आखिरकार प्रधानमंत्री ने ध्यान लगाने के लिए क्यों चुना। दुनिया भर से लोग इस जगह पर आते हैं क्योंकि ये एक ऐसी अद्भुत अनुभूति का स्थान है जहां चारों तरफ आपको समुद्र दिखाई देता है और समुद्र की लहरों के बीच दृश्य ही सिर्फ मनोरम नहीं होता बल्कि यहां पर आध्यात्म की प्राप्ति का एक सुचारू मार्ग भी आपके लिए सामने दिखाई देता है। 132 साल पहले स्वामी विवेकानंद इस जगह पर पहुंचे थे, उस वक्त उन्होंने तैर कर इस विवेकानंद रॉक जिसको जो उनके नाम से स्थापित कर दिया गया यहां तक पहुंचे थे और 25, 26 और 27 दिसंबर, जी हाँ 25, 26, 27 दिसंबर 1892 को स्वामी विवेकानंद यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने ध्यान और उसके साथ साथ अपनी पूजा को अंजाम दिया था। और यहां ऐसा माना जाता है जो उनके वक्तव्य से बाहर निकल कर आया विवेकानंद जी के, कि भारत माता के दिव्य आवरण की उन्हें अनुभूति हुई थी और इसी वजह से कन्याकुमारी स्थित इस जो रॉक टापू जैसा एक छोटी सी जगह है इसे विवेकानंद रॉक कहा गया और अब यह विवेकानंद मेमोरियल के तौर पर पूरी दुनिया भर में मशहूर है। 22 सितंबर 2006 को भी APJ अब्दुल कलाम यहां पर वो पहुंचे थे और उन्होंने भी ध्यान लगाया था, लेकिन उस वक्त किसी को इस बारे में बहुत चिंता नहीं हुई थी। यानी कि आप देख लीजिए APJ अब्दुल कलाम 2 घंटे तक यहां पर पहुंचकर ध्यान लगाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 48 घंटे तक यहां पर रहकर ध्यान लगाते हैं। यानी कि ध्यान और आत्म अवलोकन, इसे आप बड़े पैमाने पर यहां पर देख सकते हैं। अब अगर आप इसकी अन्य स्थिति को देखें तो कहां कहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार ध्यान लगा चुके हैं। सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि 1968 में बाबा केदारनाथ के गरुड़चट्टी में करीब 1.5 महीने की साधना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं, तो ये उनके लिए नया नहीं है जिसे लेकर आज इतनी चर्चाएं हो। इसके बाद 11 मई 2015 जब वो प्रधानमंत्री थे कोलकाता के बेलूर मठ में ध्यान में लीन हुए थे, फिर 18 मई 2019 को हमने आपको दिखाया केदारनाथ की रुद्र गुफा में वो ध्यान में लीन हुए थे 24 घंटे के लिए। इसलिए ध्यान लगाना उनके लिए, उनके मानसिक विकास के लिए और उनके खुद की शांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आखिरकार जब आप विवेकानंद रॉक पर ध्यान लगाने जाते हैं तो क्यों ये जगह महत्वपूर्ण है और क्यों प्रधानमंत्री ने इसे चुना, यह समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। मानव जीवन के आरंभ और आध्यात्म के आरंभ में
अगर कोई एक ज्वाला, एक ज्योति है, तो वो भगवान सूर्य है। जब आप इस जगह पर बैठते हैं और भगवान सूर्य के आपको दर्शन होते हैं, तो ये अपने आप में एक अलग अनुभूति आपके भीतर पैदा करता है, जिसके आधार पर जब आप ध्यान में जाते हैं तो आपको आत्म अवलोकन होता है। सूर्य का निकलने का समय निश्चित है, सूर्य के अस्त का समय निश्चित है। दोनों समय जो अंतकाल होता है वो अपने आप में मनोरम होता है, और ये शाश्वत सत्य को आपके सामने प्रस्तुत करने का एक बहुत ही सूक्ष्म जरिया है। इस आराध्य से आत्मज्ञान और उसके साथ साथ आध्यात्म ज्ञान को बहुत बल मिलता है। आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री अध्यात्म को इतना महत्व देते हैं? देखिए, इस बात को समझना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने कभी भी इस बात से परहेज नहीं किया कि वो एक हिंदू है। भारत के अन्य प्रधानमंत्रियों के मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हिंदू आइडेंटिटी को न कभी छिपाया और ना ही उसे प्रदर्शित करने में कभी कोई गुरेज किया, और इस बात को आप 2014 के बाद से लगातार देख सकते हैं। जैसे कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने नॉमिनेशन के लिए काशी पहुंचे थे, तब उन्होंने क्या कहा था, आइए अब आपको दिखाते हैं। सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में वाराणसी से अपने नॉमिनेशन के साथ ही मां गंगा के स्मरण की बात सामने रखी थी। क्या इस तरह के नॉमिनेशन के पहले आपने देश के किसी भी प्रधानमंत्री को भगवान, देवी दृष्टि, मां गंगा, श्री राम, किसी का भी अवलोकन करते देखा है? तो ये एक बहुत बड़ा डेफिनेटिव चेंज है भारतीय पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हिंदू आइडेंटिटी को हमेशा बरकरार रखा। अब इसकी दूसरी मिसाल हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में चुनाव जीतकर सरकार बनाकर जब पहुंचे संसद भवन, तो उन्होंने सांस्कृतिक जो पद्धति है, जो सनातन पद्धति है, जब आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर के द्वार पर आप शीश नवाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी परिपाटी का अनुपालन करते हुए संसद भवन की सीढ़ियों पर शीश नवाया। यह भी भारतीय इतिहास में पहला मौका था जब किसी प्रधानमंत्री ने यह उपयुक्त समझा कि लोकतंत्र का मंदिर है संसद, और संसद में प्रवेश से पहले आप वहां पर शीश नवाते हैं। आपने देखा होगा तमाम कलाकार, बड़े से बड़े कलाकार, चोटी के कलाकार मंच पर चढ़ने से पहले मंच को प्रणाम करते हैं, मां सरस्वती का अवलोकन करते हैं। जब कलाकार कर सकते हैं, जब तमाम सांस्कृतिक जो संस्थान वाले तमाम लोग हैं वो कर सकते हैं और मां सरस्वती का अभिकाल कर सकते हैं, तो फिर आज हमारे देश के नेता ऐसा करने से गुरेज क्यों करते हैं? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परिपाटी को तोड़ा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा अपने सनातन संस्कृति और सनातन धर्म को सबसे आगे रखा। जैसा कि आप देखें, ये तस्वीरें अपने आप में आपको बयां करती हैं। जब काशी कॉरिडोर का निर्माण का समापन हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके उद्घाटन के लिए वहां पर पहुंचे थे, तो उन्होंने खुद ही जिस तरीके से मां गंगा में जाकर वहां पर सबसे पहले जल अर्पित किया, उसके बाद पूरी पूजा एक अलग प्रणाली में उन्होंने की। ये तस्वीरें अभी आप देखिए, काशी कॉरिडोर की ये तस्वीरें हैं जहां पर बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर वो खुद ही पहुंचे थे, पूजा की, पूजा अर्चना की, रुद्राभिषेक किया। आपने कब देखा कि हमारे देश के तमाम नेता अपनी आस्था, स्वयं की आस्था को जनता के सामने प्रकट इस मुखर तरीके से कर रहे हों? सिर्फ एक वाक्य इसके पहले याद आता है जो कि इंदिरा गांधी का था, लेकिन अपने नॉमिनेशन के समय, अपने राजकाल के समय उन्होंने इसे बहुत ही ज्यादा प्रचारित नहीं किया। साधु संत से उनकी मुलाकात होती थी, रुद्राक्ष वो पहनती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक अलग आयाम दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवा पहनने में भी कभी कोई अफसोस जाहिर नहीं किया,
क्योंकि जाहिर सी बात है ये हिंदू वस्त्राण है और इसी के आधार पर प्रधानमंत्री ने अपनी उपस्थिति को दर्ज किया है। अब इसके साथ साथ हम आपके सामने कुछ और तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि देश के तमाम मंदिर या तमाम ऐसे कॉरिडोर जिसको आप मंदिर कॉम्प्लेक्स के तौर पर देखें, जब उसका जीर्णोद्धार हुआ या एक तरह से उसका पुनर्निर्माण हुआ तो यह अपने आप में एक अलग अनुभूति थी। आप देखें इन तस्वीरों को, यह इसी साल की है, 22 जनवरी 2024, राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का मौका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में पूरी पूजा और अर्चना में अपनी भागीदारी सामने रखी और जिस तरह से तकरीबन 1.5 घंटे तक वो मंदिर कॉम्प्लेक्स में मौजूद रहे, पूजा की, पूजा करने के साथ साथ आरती और तमाम तरह के अन्य जो कर्म कांड होते हैं उन सबको किया, क्या हमने इस तरह की तस्वीरें पहले कभी देखी हैं? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आस्था, उनके आध्यात्म का जुड़ाव और धर्म को अपने साथ रखने का एक बेहतरीन नमूना है जो अभी आपके सामने है। आइए अब आपको महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन की तस्वीरें भी दिखाते हैं। उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर को जिस तरीके से अब सुनियोजित कर दिया गया है, साहब वहां जाने के बाद जो अनुभूति होती है किसी भी शिव भक्त को या कोई भी ऐसा पर्यटक हो, वो पहले कहां हो पाती थी। लेकिन उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में महाकालेश्वर मंदिर में जब लोकार्पण उसका हुआ था, जो पूजा की तस्वीरें हैं आप देखिए, आप तो कहीं से भी नहीं कहा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हिंदू आइडेंटिटी, अपने हिंदुत्व, अपने आत्म ज्ञान और उसके साथ साथ आस्था को प्रकट करने में कहीं कोई गुरेज किया हो। यानी कि जब से सत्ता संभाली उस वक्त से लेकर आज तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता, संस्कृति, सभ्यता और आध्यात्म, इन सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं। जाहिर से बात है, हम जब बात करते हैं संसद की, हम बात करते हैं मंदिर निर्माण की, हम बात करते हैं रामलला की, तो उसके साथ साथ हम आपको यह भी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि नए संसद भवन की स्थापना के समय तमिलनाडु के बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ शंगोल, जो कि बहुत ही ज्यादा आस्था से जुड़ा एक प्रतीक है, उसकी स्थापना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में की। कई तरह की बातें कही जा रही थी उस वक्त, यह सब कुछ तमिलनाडु में वोट बैंक को साधने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में आस्था न हो, विश्वास न हो, प्रेम न हो, तो क्या वो ऐसा कर सकता है? यकीनन ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आस्था और उसके साथ साथ उनके आध्यात्म के जुड़ाव के प्रतीक हैं जो अभी हम आपके सामने दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश यात्रा में हर मौके पर मंदिर में जाकर अपनी आस्था को प्रकट करने में कहीं कोई गुरेज नहीं किया। आप ये देखिए, तीन तस्वीरें आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री ने सरदार संभव को किस तरीके से अंजाम दिया है। स्वामीनारायण मंदिर अबुधाबी, उसके बाद काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर, उसके बाद चीन में वहां पर भी जो मंदिर है वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वहां पर भी अपनी आस्था प्रकट की। ऐसा क्यों होता है कि अमेरिकन राष्ट्रपति जब अपनी यात्रा पर किसी चर्च पर जाए तो उन पर कोई आक्षेप नहीं होता, लेकिन अगर भारत का प्रधानमंत्री अपनी आस्था को प्रकट करे विदेश में या कहीं पर भी, तो कई तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं। आस्था और आध्यात्म, अगर आज आप किसी भी व्यक्ति से इसे उससे बाहर निकाल दीजिए तो व्यक्ति के पास बच क्या जाता है? देखिए, हिंदुस्तान को समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि हिंदू संस्कृति आखिरकार क्या मायने रखती है। हिंदू संस्कृति के आधार पर सबसे बड़ी बात क्या निकलती है कि आप एक ऐसा शासन प्रदान करें जो धर्म संगत हो। और यहां पर धर्म रिलीजन नहीं है, पंथ नहीं है, धर्म यानी कि सर्व धर्म भर्म, हर व्यक्ति को साथ लेकर चलने का, सर्वहित को हम धर्म कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम राज्य की परिकल्पना को सार्थक करने की हर कोशिश की है और उसे जीवन में यापन करने की भी कोशिश की है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी मौके पर श्री राम की बात करने से परहेज नहीं करते। वो जानते हैं कि अगर इस देश में
कोई एक आइडल है, कोई एक ऐसा, कोई एक ऐसी अनुभूति है जो कि हर व्यक्ति की अभिलाषा है, तो वो है श्री राम। कुशल प्रशासन की जब वो बात करते हैं तो जाहिर से बात है वो बात करते हैं एक ऐसे राज की जो श्री राम की अनुभूति को कराता है। जब वो जनता जनार्दन के सुख और दुख के रखवाले के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं तो ये भी एक श्री राम के अवलोकन है, उसी के आधार पर ये बात निकल कर आती है। एक राजा कैसा होना चाहिए, अगर आप इतिहास के पन्ने पलट कर देखें या फिर तमाम हमारे धार्मिक ग्रंथों को देखें, आप रामायण ही पढ़ लीजिए साहब, एक शासक को हमेशा धर्म और तर्क संगत शासन प्रदान करने वाला व्यक्ति माना गया है। चाहे आप चाणक्य नीति की बात करें या फिर आप गीता की बात करें, गीता में क्या लिखा है, एक राजा वही है जो कि अपनी प्रजा का ट्रस्टी है। यही बात महात्मा गांधी भी कहते थे। जब एक राजा, जब एक नेतृत्व करने वाला लीडर धर्म तर्क और इसके साथ साथ आध्यात्म को लेकर आगे चले तो वो राजा कहलाता है। जब वो राजा अपनी संस्कृति और आध्यात्म को भी साथ लेकर करे तो वो समावेशी कहलाता है। इसलिए आज हमारे देश में जब आप श्री राम की परिकल्पना देखते हैं और एक राम राज्य की बात करते हैं तो उस राज्य में कुछ चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जिसमें आध्यात्म, संस्कृति और धर्म, इन तीनों का समावेश अगर न हो तो फिर आप राम राज्य की तरफ आगे बढ़कर नहीं निकल सकते। जब तक आप इन तीनों को न साधें, आध्यात्म, संस्कृति और धर्म, आप एक कुशल प्रशासक नहीं हो सकते। और कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश यही है कि वो राम राज्य की इस परिकल्पना को अपने जीवन में चरितार्थ करते हुए जनहित में खुद को आगे रखें, और ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक अपनी हिंदू आइडेंटिटी को कभी पीछे नहीं किया। आखिरी और सातवें चरण का मतदान 1 जून को होना है, और अब जो चुनावी प्रक्रिया है एक तरह से उसे आप कह सकते हैं कि डोर टू डोर कैंपेन के अलावा कुछ बचा नहीं। इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता कि हम इस बार के चुनाव के तमाम मुद्दों का आकलन करें। व्यक्तिगत तौर पर अगर आप कहें तो कुछ एक मुद्दे जिस पर इस बार चर्चा हुई साहब 2024 में, वो अपने आप में किसी भी पत्रकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं उसकी चर्चा सबसे पहले आपके सामने करना चाहता हूं और फिर सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे कि कैसे इस बार के चुनाव में मुद्दे कितनी तेजी से बदले। इस बार के चुनाव में नोट कीजिएगा साहब, पूरे देश ने संविधान पर चर्चा की। 1952 में पहला मतदान हुआ था, उस दिन से लेकर आज तक किसी भी चुनाव में क्या कॉन्स्टिट्यूशन पर आपने चर्चा होते देखी, इस बार पूरे देश ने संविधान पर चर्चा की। 1990 में रिजर्वेशन की बात सामने निकल कर आई थी, खास करके ओबीसी रिजर्वेशन, SC/ST रिजर्वेशन, इस पर देश ने चर्चा की, चुनाव का बड़ा मुद्दा बना रहा, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यह नारा कितना लोगों तक पहुंचा, इस पर भी चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्या अब हमारे देश को हम ये कह सकते हैं कि हम एक परिपक्व लोकतंत्र बन चुके हैं, क्योंकि आज हम उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं जो आम तौर पर चुनावों में सामने आना चाहिए। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने मैनिफेस्टो चुनाव के पहले जारी किए। दोनों के मैनिफेस्टो के बारे में कंपैरेटिव छोटा सा एनालिसिस आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने कहा विकास को हम सबसे आगे रखेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस ने कहा लाभार्थियों का वर्ग है, उनको हम सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दूसरा बड़ा मुद्दा, विकास को मोदी ने गारंटी की शक्ल दी, मैंने 10 साल काम किया है, 10 साल के बाद 5 साल की गारंटी मेरी, यानी कि अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने खुद की आइडेंटिटी पर गारंटी। दूसरी तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस ने सामाजिक न्याय का जिक्र बड़े पैमाने पर किया। राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय को पैसे से तोला, 8,500 रुपए प्रति महिला प्रति परिवार मिलेगा प्रति महीना, यह अपने आप में बड़ी बात उनके तरफ से कही गई। इसके साथ साथ नारी शक्ति को आगे बढ़ाने की बात बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में किया, कई तरह की बातें उसको लेकर सामने रखी। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए पैसे का ही एक जरिया सबसे बड़ी से दिखाई दिया। तो यह एक बुनियादी फर्क दो मैनिफेस्टो में आपके सामने
मैंने अभी रखा। उसके साथ साथ जैसे ही चुनाव की शुरुआत हुई उससे पहले ही संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के पटल पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी 370, एनडीए 400 के पार। भारतीय इतिहास में आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरह के लक्ष्य को कम से कम लोकसभा के पटल पर सामने रखा नहीं था। देखिए उन्होंने क्या कहा। मैं आमतौर पर ये आंकड़े आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। यह ऐलान अपने आप में बहुत बड़ा था। और देखिए पूरा जो चुनावी डिस्कोर्स था वो इस मुद्दे पर नहीं था कि 272 सीटें किसको आ रही है। पूरा चुनावी डिस्कोर्स इस मुद्दे पर हुआ कि 370 सीटें आएंगी कि नहीं, 400 पार होगा कि नहीं। तो यहां से चुनाव की शुरुआत होती है। और चुनाव की शुरुआत के पहले जनवरी के महीने में रामलला का प्राण प्रतिष्ठान अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा एजेंडा जो कि उसने पूरा कर दिया। 19 अप्रैल को पहले दौर का मतदान था, पहले चरण का मतदान। इस चरण में प्रवेश करने के साथ ही तमाम सियासी मुद्दे सामने थे और हर पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी की जो चर्चा की शुरुआत यहीं से हुई। विकास, राम मंदिर का वायदा पूरा किया, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण मसला था जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही थी। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो हिस्सेदारी की बात की थी उस मैनिफेस्टो को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इसे मौका समझते ही बहुत जबरदस्त प्रहार किया। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की तरह दिखता है। भारतीय जनता पार्टी ने यह मुद्दा उठाया और कांग्रेस डिफेंस में चली गई, क्योंकि हिस्सेदारी की बात के साथ साथ वहां पर विभाजन की बात भी थी। वहां पर इस तरह की चर्चाएं भी थी कि हम बहुसंख्यकवाद नहीं होने देंगे। जाहिर से बात है, जब मैनिफेस्टो में इस तरह की बातें लिखी जाती हैं तो अपने आप में संशय होता है कि क्या यह भारत का एक किसी बहुत ही प्रमुख राष्ट्रीय दल का एजेंडा है या दरअसल ऐसा एजेंडा है जो 1940 के बाद मुस्लिम लीग ने उठाया था। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से घेरा। अभी यह मुद्दा चल ही रहा था साहब, तब तक एक वीडियो सामने आता है। नवरात्र के दिन थे और नवरात्र के बीच में एक वीडियो सामने आता है जिसमें कि एक मटन और मछली की बात सामने निकल कर आ जाती है। तेजस्वी यादव साहिनी के साथ हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे थे नवरात्र के एक दिन पहले 8 तारीख को, लेकिन वीडियो रिलीज किया उन्होंने 9 तारीख को। 9 तारीख से नवरात्र शुरू हो गए और यहीं से चुनाव की बात यहां निकल कर आ गई कि हिंदू आस्था पर कितना बड़ा कुठाराघात किया जाता है। और यह मौका भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अच्छा था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी सोच को मुगलिया सोच करार दिया और कहा कि यह आक्रांताओं की सोच है, यह भारत की सोच नहीं हो सकती। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से विपक्ष को घेरा। साथियों, कांग्रेस और एनडीए गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं, इतना ही नहीं उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह
मुस्लिम लीग की छाप है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेर रहे थे मुस्लिम लीग के नाम पर, वहीं कांग्रेस जातीय जनगणना को अपना ट्रंप कार्ड मानकर इसी पर अपनी बात आगे कर रही थी। पहले चरण के मतदान के पहले कांग्रेस ने लाभार्थी वर्ग को भी टारगेट करने की पूरी कोशिश की और 8,500 रुपए प्रति महिला प्रति महीना की बात को भी बड़े पैमाने पर सामने रखा और इन आधार पर ही कांग्रेस को लग रहा था कि वो अपने आप को लेकर आगे निकल पाएंगे। राहुल गांधी ने इस पर क्या कहा, ये देखिए। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम ये हम करके दिखाएंगे। तो देखा आपने, दोनों पार्टियों ने अपने अपने तरीके से चुनावी माहौल और स्टेज तैयार किया था, लेकिन दूसरे चरण के आने के साथ ही माहौल में तब्दीली आ गई, गेम चेंज। क्योंकि दूसरे चरण के ठीक पहले सैम पित्रोदा, जो कि उस वक्त कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे, अब उन्हें कांग्रेस पार्टी ने बाहर कर दिया है, उन्होंने एक शगुफा छोड़ा। उनका यह कहना था कि जैसे अमेरिका और बाकी देशों में पुश्तैनी जायदाद और अंतरह की जायदाद को जब किसी को दिया जाता है तो वहां पर इनहेरिटेंस टैक्स लगता है, तो ऐसा भारत में भी होना चाहिए और रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वेल्थ का। रीडिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस कि जिसके पास ज्यादा पैसा है उससे पैसा ज्यादा लिया जाए टैक्सेशन के नाम पर और उसको गरीबों में बांटा जाए। बस यहीं से चुनाव का गेयर बदला। भारतीय जनता पार्टी ने सैम पित्रोदा के इस इनहेरिटेंस टैक्स को उठाया और उठाने के साथ ही कांग्रेस को लपेटना शुरू किया। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को पाकिस्तानी सोच से भी जोड़ा। जहां विरासत की टैक्स अपने आप में बड़ी थी, वहीं पर पाकिस्तान की सोच, विभाजनकारी की सोच और उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के मतदाताओं को अपनी तरफ लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संदेश खाली में महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को भी बड़े पैमाने पर प्रचारित किया। और यही एक मौका था जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी बात कही जो कि आज भी हर किसी के कान में गूंज रही है। उनका कहना यह था कि जब आप रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो क्या यह रीडिस्ट्रीब्यूशन आम जनता से पैसे लेकर उन लोगों को दिया जाएगा जो अनडिजर्विंग है? और यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का हवाला देते हुए उन्होंने यह कहा कि मनमोहन सिंह के समय यह बात निकल कर आई थी कि अल्पसंख्यक वर्ग को ज्यादा संसाधनों पर अधिकार होना चाहिए और इसके आधार पर ही अल्पसंख्यक वर्ग को फायदा पहुंचाया जाना चाहिए। तो क्या हिंदुओं की ये मंगल सूत्र को लेकर मुसलमानों को फायदा पहुंचाया जाएगा? और साहब, यहीं से चुनाव बदला, ऐसा गैर बदला कि उसके बाद की लड़ाई आगे हम आपको बताएंगे। मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगल सूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। मंगलसूत्र का यह अटैक कांग्रेस के लिए बहुत जबरदस्त था। जाहिर सी बात है, कांग्रेस अभी तक अपने ही किए गए तमाम गलतियों के बोझ के तले थी। ऐसे में कांग्रेस ने तुरंत पारा बदला। कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे के साथ साथ यह दावा करना शुरू कर दिया कि 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए दिया है क्योंकि वो संविधान बदलना चाहते हैं। और साहब, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण थी कि संविधान बदलने की बात जैसे ही कही जाएगी इसका क्या असर होगा। देखिए क्या कहा कांग्रेस ने। सो इफ लेट से वन हैज $100 million वर्थ ऑफ वेल्थ एंड व्हेन ही डाइज ही कैन ओनली ट्रांसफर प्रॉबली 45% टू हिज चिल्ड्रन, 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says you in your generation made wealth. In India you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. तो संविधान बदलने के साथ साथ सैम पित्रोदा का यह बयान भी बहुत महत्वपूर्ण था साहब,
क्योंकि सैम पित्रोदा ने यहां पर रंग भेद की बात कर दी थी। जैसे ही यह बात सामने निकल कर आई तो उसके बाद कांग्रेस ने सैम पित्रोदा से हाथ धो लिया, यानी कि उनकी बुद्धि खुल गई। लेकिन संविधान बदलने का मसला और किस तरीके से 400 पार का मतलब संविधान बदला जा सकता है और संविधान क्यों बदला जाएगा, संविधान इसलिए बदला जाएगा क्योंकि उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश पर अपना एकाधिकार कर लेगी। भारतीय जनता पार्टी संविधानिक तमाम संस्थाओं को खत्म कर देगी, यानी कि डर का माहौल तैयार किया गया जो कि कांग्रेस के द्वारा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस डर के माहौल से देश को आश्वस्त करने के लिए क्या कहा, यह देखिए। शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझ में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? तो आपने देखा, रंगभेद के मुद्दे पर घेरने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर से संविधान के मसले पर कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर भी किसी भी कीमत पर अगर चाहें तो आज देश के संविधान को नहीं बदल सकते। और यह बहुत बड़ी बात थी जो भारतीय जनता पार्टी ने कही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। लेकिन जाहिर से बात है, विपक्ष के पास यह बहुत बड़ा मसला था और विपक्ष इस बात को बार बार लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को एकाधिकार मिल गया, 303 सीट पर तो भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में 370 को खत्म कर दिया, तो जाहिर सी बात है जब उनको 400 पार सीटें मिल जाएंगी तो उसके बाद तो वो देश के सब कुछ खत्म कर देंगे। इस डर के माहौल को बनाने की पूरी कोशिश कांग्रेस और विपक्षी दलों ने की। राहुल गांधी ने भी संविधान की कॉपियां दिखानी शुरू कर दी। कई मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरे एनडीए के बड़े से बड़े नेताओं ने इस बात का खंडन किया और आश्वस्त किया कि देश के संविधान को कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि देश के संविधान के आधार पर ही देश चलता है। इसके साथ साथ एक बड़ी बात और निकल कर आई, और यह बात निकल कर आई मणिशंकर अय्यर के द्वारा। देखिए, कांग्रेस में एक से एक आत्मघाती दस्ते हैं। हमने अभी तक आपको सैम पित्रोदा आत्मघाती दस्ते की बात बताई, दूसरा आत्मघाती दस्ता मणिशंकर अय्यर साहब निकले। उन्होंने कहा कि भारत को यह नहीं कहना चाहिए किसी भी मसले पर कि वो पाकिस्तान का जिक्र ना हो, क्योंकि पाकिस्तान ने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, पाकिस्तान के पास एटम बम है, इससे डर के रहना चाहिए। ऐसा कहने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त तरीके से रगड़ाई की। इस रगड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने स्पष्ट तौर से कहा कि पाकिस्तान में अगर इतनी हिम्मत होती तो पाकिस्तान, जो कि आज रोटी रोटी और नमक के लिए मोहताज हो रहा है, वो क्या भारत को आंखें तरेर कर दिखा सकता है? जाहिर सी बात है, इसका अब कोई असर नहीं होने जा रहा था। और कांग्रेस की तरफ से भी इस बारे में माफी मांगी गई और कहा गया कि मणिशंकर अय्यर का बयान सिर्फ उनका अपना बयान है। ऐसे स्थिति में यह आरक्षण का पूरा मसला सामने आने वाला था, और इसी जो कांग्रेस जो अपनी बैकफुट पर आई, इस बैकफुट पर आने के साथ ही कांग्रेस ने उसके बाद एक नया शगुफा सामने रखा और एक नया एजेंडा कांग्रेस ने सामने रखा। कांग्रेस ने कहा कि जातीय आधार पर पूरे देश भर में जहां पर जनगणना की बात हो रही है, जहां पर जातीय अधिकार पर जिसके जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी की बात हो रही है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अगर 400 पार आएगी तो संविधान बदलेगी और संविधान के साथ साथ रिजर्वेशन खत्म कर देगी एससी एसटी और ओबीसी दोनों के लिए। अब देखिए, यह एक बड़ा मसला था क्योंकि तीसरे दौर के मतदान तक महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और इन तमाम राज्यों में चुनाव चल रहे थे, और इन सभी राज्यों में दलितों की एक बहुत बड़ी आबादी है। साथ इस आबादी तक पहुंचने और उन्हें डराने का काम कांग्रेस ने इस मसले पर किया। इस आधार पर अगर आप देखें तो कांग्रेस के प्रतिकार को फिर भारतीय जनता पार्टी ने कैसे तोड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने इसके बाद यह मसला उठाया कि कैसे आरक्षण का नाम लेकर कांग्रेस शासित तमाम राज्यों ने और उसके साथ साथ केंद्र सरकार की पैरोकारी ने ओबीसी आरक्षण में मुसलमान जातियों को आरक्षण दे रखा है। देखिए, यह बहुत सूक्ष्म बात है लेकिन यह अपने आप में बहुत ही बड़ा मसला बन गया, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कोलकाता हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया। वो ऑर्डर स्पष्ट था कि 2010 से लेकर 2012 के बीच में पहले की वामपंथी सरकार और उसके बाद तृणमूल सरकार ने जो ओबीसी कैडर में 74
मुस्लिम जाति को ओबीसी आरक्षण दिया था वो गलत है। जैसे ही ये बात सामने निकलकर आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी आरक्षण में मुसलमान जातियों को आरक्षण दिए जाने का जो विरोध कर रहे थे उसे बहुत बल मिल गया। पूरा का पूरा चुनाव अब इस बात पर आ गया कि क्या ओबीसी और एससी कैटेगरी में, जहां रिजर्वेशन है, इस रिजर्वेशन में मुसलमान जातियों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि बुनियादी सवाल तो यह है कि इस्लाम में कोई जाति होती ही नहीं है। हां, बैकवर्ड क्लासेस को भी ओबीसी में रिजर्वेशन देने की बात कही गई है, लेकिन क्या यह ओबीसी कास्ट की हिस्सेदारी को कम नहीं करता? यही सवाल भारतीय जनता पार्टी ने उठाना शुरू कर दिया। और जैसे ही यह सवाल उठाना शुरू हुआ, चौथे, पांचवें और छठे चरण में यह सबसे बड़ा मसला निकल गया। इसके साथ साथ अब हम और तेजी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम आपको और भी मसले बताना चाहते हैं। आखिरकार तीसरे, चौथे और पांचवें चरण से छठे चरण तक के बीच में ये जो पूरा गैप है, इस गैप में ओबीसी और एससी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बातें क्यों की? इसलिए क्योंकि जो ये फेज में मतदान होने थे, इन सभी सीटों पर बड़े पैमाने पर कास्ट कॉम्बिनेशन काम कर रहे थे और जातीय आधार पर इस कॉम्बिनेशन को समझना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। इस आधार को जब आप लेकर चलते हैं तो आप समझते हैं कि क्या होना चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके साथ साथ अमित शाह ने भी इस बात पर जोर दिया कि जरूरतमंदों के आरक्षण को कोई नहीं छीन सकता। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर क्या कहा। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा वह देश की जनता को वादा करो। हिंदुस्तान का संविधान है, इसको बीजेपी और आरएसएस खत्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, फेंक देना चाहते हैं। तो एक तरफ जहां आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिजर्वेशन में मुसलमानों की बात की और कहा कि ये उचित नहीं है, किसी को किसी के रिजर्वेशन के आधार को छीनना नहीं चाहिए, वहीं राहुल गांधी और उसके साथ साथ विपक्ष के तमाम नेता इस बात पर जोर दे रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अगर 400 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल जाती हैं तो संविधान बदल दिया जाएगा, रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा, संवैधानिक संस्थानों को कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाएगा, यहां तक कि कोर्ट्स पर भी तमाम तरह के नियंत्रण लगा दिए जाएंगे। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर चुनाव में होने लगा। इसके बीच में पश्चिम बंगाल में एक अलग राजनीति चल रही थी और पश्चिम बंगाल में संदेश खाली का मसला, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा था, वो मसला धीरे धीरे दबने लगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने संदेश खाली के पीड़ितों के ठीक उलट शुभेंदु अधिकारी के कुछ वीडियोस सामने रखे और कहा कि शुभेंदु अधिकारी मास्टरमाइंड थे जिन्होंने संदेश खाली का पूरे मुद्दे को ऑर्गेनाइज किया था, यानी कि वहां पर वीडियो पॉलिटिक्स शुरू हो गई। तो देखिए, बंगाल में अलग तरह की राजनीति, देश में अलग तरह के मुद्दे और जातीय आधार पर पूरे देश भर में मुद्दों पर चर्चा होने लगी। उसके बाद जब आप छठे और सातवें फेज की बात करते हैं, छठे और सातवें फेज में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बनकर निकल कर आया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर भ्रष्टाचार पर और परिवारवाद पर जबरदस्त कुठाराघात किया। क्योंकि इस चरण में, जो पांचवें चरण के बाद, पांचवें चरण में रायबरेली और अमेठी का चुनाव हुआ था और उसके बाद से वो एक शहजादे वाली पूरी बात बाहर निकल कर आ रही थी और उसके साथ ही ये बात भी निकल कर आ रही थी कि किस तरीके से एक एंटाइटलमेंट की राजनीति भारत में चल रही है। इसके साथ साथ एक और पैरेलल मुद्दा, जो कि चौथे चरण के बाद धीरे धीरे परवान चढ़ रहा था, और यह मुद्दा था महिला मतदाताओं का। देखिए, मैं आपको बता रहा था ना कि इस बार के चुनाव अपने आप में जबरदस्त रहे, साथ अलग अलग मुद्दे अलग अलग तरीके से सामने आए। चौथे चरण के साथ ही महिलाओं के मतदान, महिला को लाभार्थी के तौर पर देखना, महिलाओं के घर में तमाम सुविधाएं पहुंचाना, महिलाओं को वोटर बैंक के तौर पर इस्तेमाल करना, इसकी चर्चाएं शुरू हो गई।
और जब ये चर्चाएं शुरू हुई तो इसी में संदेश खाली के मुद्दे को भी शामिल किया गया, इसी में लाभार्थी वर्ग सामने रखा गया, जहां पर विपक्ष खास करके कांग्रेस 8,500 रुपए प्रति महिला प्रति माह की बात कहती दिखाई दी। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने पारंपरिक महिला समर्थन को बहुत बड़े पैमाने पर सामने आते देखा। आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की एक पूरी गोष्ठी को संबोधित किया, 75,000 से ज्यादा महिलाओं को एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था, यानी कि महिला एज वोटर, महिला एज एम्पावर्ड पर्सन बड़े पैमाने पर सामने आ रहा था। और इस पूरे अभियान को अगर आप देखें, अगर मैं इसको कंक्लूड करने के लिए आपके सामने आऊं, तो आज जो चुनावी मुद्दों का रेंज है, विकास गारंटी, उसके बाद एंटाइटलमेंट, इनहेरिटेंस टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स से रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशन पूरे तरीके से बदल देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के साथ साथ रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, रिजर्वेशन में ओबीसी, ओबीसी कैटेगरी में मुसलमान जाति क्यों है, वहां से निकलकर विमेन एम्पावरमेंट। भाई इससे ज्यादा स्पेक्ट्रम, इससे ज्यादा चर्चा क्या किसी लोकसभा चुनाव में आज तक आपने देखी है? मैं तो आपको कह सकता हूं इतनी ज्यादा चर्चा इतने विभिन्न मुद्दों पर राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक परामर्श 2024 के चुनाव से पहले आज तक देखने को नहीं मिला है। इसलिए 2024 का यह चुनाव भारत के लिए न सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए सबसे ज्यादा अहम और इंपॉर्टेंट। दस्ता एनालाइजर में आज के लिए बस इतना ही, लगातार देखते रहिए भारत 24। धन्यवाद।